हरियाणा के हांसी के गांव मसूदपुर में कुएं से मिली दवाओं के मामले में रात को खेला हो गया। रात को जो दवाएं कुएं से निकालकर बाहर रखी गई थी उनको कोई उठा ले गया। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची तो दवाओं के केवल 2 कट्टे ही बरामद हुए। हालांकि अभी काफ़ी मात्रा में सिरिंज के कुएं में पड़ी होने की जानकारी आ रही है। जो दवाएं मिली हैं उन पर सरकारी होने का लेबल लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि मसूदपुर गांव का किसान सुरेश सोमवार को खेत में बने कुएं की सफाई करने के लिए गया था। 10 दिन पहले कुएं बारिश का पानी था, इसलिए काम नहीं हो पाया। पानी सूखा या नहीं इसको देखने के लिए उसने कुएं में झांका तो दंग रह गया। पानी की बजाय कुआं दवाओं से भरा था। उसने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ दवा को बाहर निकाला और कब्जे में ले लिया। सामने आया कि कुएं में मिली दवा और सिरिंज सरकारी है। ज़्यादातर दवाएं बच्चों के आयरन सिरप हैं। खेत मालिक ने मजदूरों के साथ मिलकर दवाओं के कुछ कट्टों को बाहर निकाला। मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई। जो दवाएं यहां बाहर निकाली गई थी और कुएं में थी उनको रात को ही कोई उठा ले गया। सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम कुएं पर पहुंची तो कुएं में केवल दवा के 2 कट्टे मिले। कुछ सिरिंज जरूर कुएं में पड़ी मिली। खेत मालिक सुरेश की माने तो दवा लाखों की संख्या में थी। इसे 3-4 दिन पहले ही डाला गया था। रात को दवाएं चोरी हो गई। खेत में मिली दवाओं में आयरन सिरप के 2 बैच मिले, जिसमें एक की एक्सपायरी डेट सितंबर 2022 और दूसरे बैच के सितंबर 2023 है। दवाओं के हर पैक पर बैच नंबर होता है। छानबीन में बैच नंबर के आधार पर जानकारी मिलेगी कि दवाई कहाँ की है और किस सेंटर के लिए जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।